से याद आया, डांस नहीं तैयार करने, सर पे टोपी हाफ बाजू। हाँ ये क्या कॉम्बो है, मैंने तो कहा भी करना है यार। क्यों, दुल्हन भी करती हूँ। वाह 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 वाह। ही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। ये देख के चार ठुमके लगा दो लोग, फिर कमेंट्स में कहते हैं डांस ही कैसा सीखती है। सीखे सही लेती है, शादी में जाकर कुछ सीखे। Welcome to another vlog, welcome to another very beautiful day. आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर पे एंड अब मैंने कहीं पे भी अपनी शादी तक नहीं जाना। मैं हमेशा यही कहती हूँ बट फिर कोई ना कोई काम आ रहा था, लेकिन अब चूंकि बहुत ही कम दिन रह गए हैं, कम दिन का मतलब आप समझ रहे हैं, इतने से दिन रह गए, इतने से, बिल्कुल इतने से। अब आपको बस धड़ा धड़ सिर्फ शादी की तैयारियां और शादी के आगे व्लॉग्स मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया और मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई। मैं आई थी कराची से वापस और आते साथ मुझे 3 मिलियन का सरप्राइज मिला जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था मेरी सिस्टर्स की तरफ से। लेकिन मैं हो गई बीमार, थोड़ा सा मेरा गला पकड़ा गया है और थोड़ा बहुत हल्की आंच वाला जो बुखार होता है वो, नींद मेरी पूरी नहीं हुई भी तो मैं बस उस तरह से ज्यादा एनर्जेटिक नहीं थी, बट स्टिल मुझे था कि जब मैं व्लॉग शुरू करूंगी तो मैं वापस से बन जाऊंगी आप लोगों की दी बेस्ट व्लॉगर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इधर इस मोहतरमा को देखेंगे, यहाँ पे काम शाम क्या बंद करूं, मैं तुम्हें बताती हूँ, खुद तुम रिंग लाइट में बैठ के व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हो और मैं यहाँ सिंपल लाइट में। लेकिन तुम असीन जमील शकील मनीर सब लग रही हो, तुम कहाँ, हाथ में क्या है, जी फॉर डॉल जी, डांस है, गाना है, सॉरी डांस है, गाना है, क्या करने वाली हो इसके साथ, कुछ भी नहीं, इस गाने से तो लेके क्या, कहाँ से तुम्हें स्पीकर लिए हैं, ऑनलाइन पीआर में मोबाइल था। अच्छा, ये यहाँ पे सुकून से काम कर रही है अपना, ये यहाँ पे अपने गाने छाने हैं, इन लोगों दी कोई तैयारियां नहीं हुई। गाने से याद आया, डांस नहीं तैयार करने, किस चीज के, मेरे मैं ग्रुप से तोरी फिर से उसके लिए मैंने करने हैं, मेरे यहाँ तो डांस प्रैक्टिस नहीं है। नहीं तो तुम्हें नहीं फिक्र, हमने तुम्हारी शादी पे डांस करना है कि नहीं करना। हाँ मुझे अपनी बहनों की भी सारी फिक्र है, मैं ही लूँ हर जगह, बस सोचा की मैं तुम्हारी शादी पे डांस नहीं कर रही। तुम डांस नहीं कर रही, सोच लो, सोच लो, ये जो तुमने कॉर्नर पे इतने खाने के रैपर, मुझे पता था तुम ये कहोगे इसलिए मैंने पहले छुपा दिए थे। बड़ी तुम बदतमीज हो। हम अभी चलते हैं नीचे जाके सूरत हाल देखते हैं सबकी। तुम लोगों ने अगर कुछ करना है, कोई प्लान है आज के दिन का तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों की मदद कर दूंगी क्योंकि मैं वेली हूँ, सिर्फ सफर का प्लान है, सुला दो, दफा हो जाओ तुम, क्या मतलब सोने का प्लान, गला खुश हो रहा है, पानी पिला दो। याद है उस व्लॉग में जो हमने दुबई में बनाया था, उसमें वो वाली मैंने पहनी हुई थी, ये तुमने पहनी हुई थी, कोइंसिडेंस है, तुम्हारा व्लॉग बन रहा है। ओह माय गॉड, इतना तो भी बहनों का प्यार, बहनोलॉजी एक चैनल होना चाहिए, बहनोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी काफी नहीं है कि तुमने बहनोलॉजी भी बनाना है। नहीं नहीं, अब बहनोलॉजी नहीं, अब तुम लोग अरीब के साथ एक चैनल बना लो, बहन स्टडी ऑफ ब्रदर इज नोन एज ब्रदर इन लॉ इज नोन एज, बहनो ही ले लो जी। तो बहन भी तुम दे ही रही हो, नहीं हाँ बहन रुक से थोड़ी, बहनोई भी ले लो ना, पीछे से चप्पल आएगी मुझे। और वो बोला तुम्हें किसकी आएगी चप्पल, पॉपी आर यू फॉर रियल, यस व्हाई यू टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड लाइक दिस, हाउ डेयर यू, आई कांट टॉलरेट, आई कांट, आई जस्ट कांट। मैंने पॉजिटिव वे में कहा, तुम्हारा सारा पॉजिटिव समझती हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी बहनोई ले लो जी। अब मेरा बस चले तो मैं ये गिटार पकड़ू और इसके सर पे मारू, मैं तोड़ दो, ऐसा ही है ना गाइस कि ये मेरा गिटार है, हमारे बहनोई कहते हैं ना, हाँ हमारे बहनोई नहीं होता तो क्या, हमारे बहनोई बहुत अच्छे, बहनोई कहते हैं हमारे जीजा जी तो इंग्लिश में कहते, जीजा जी तो इंडिया में कहते हैं ना, हाँ, और हम बहनोई कहेंगे, बहनोई, हाँ। बहनोई तो वो नहीं कहते जो जिठानियाँ होती है, वाह मेरी जिठानी का बहनोई, अरे वाह, जिठानी वो होती है ना जो आंटी होती है, क्या मतलब, जो आपकी अम्मा की बहन है वो तो खाला होती है। मेरी बहन के रिश्ते खराब है गाइस, हीरा के तो टोटली खराब है, जब तुम्हारी शादी होगी फिर तुम्हें पता चलेगा कि रिश्ते क्या होते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिठानी वो होती है जो दूल्हे की बहन होती है, आई बेंगन नंद होती है वो, ओ हाँ वो नंद होती है, जेठानी बिल्ली की अम्मी मेरी जेठानी, तो तुम्हारी बहनोई हुई।
ये पागल है रे, ये पागल है रे, इसको पागल होने दो, दिमाग इसके पाँव में आ चुका है अभी, अब हम नीचे चलते हैं, तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो, जब इस्तेमाल सही से हो तो मेरे बाप बता देना, फिर तुमसे बात करेंगे। मैं अंदर आई हूँ, यहाँ पे तो अब्बू इधर पारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा कद्दू, मैं फिर ता सच दी जे मोबाइल यूज करे करा दा अब्बू। हाँ ये क्या कॉम्बो है, लीथल लीथल गाइस, लीथल वेरी लीथल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लीथल, जस्ट सीम्स लाइक ए डॉक्टर वेसल। कहते हैं कि मैंने कहा सर्दी नहीं लगती ये सर्दियों वाला नाइट सूट, नहीं नहीं सर्दी नहीं लगती, थोड़ी देर बाद कहते मुझे टोपी तो दे दो, तो टोपी किस लिए, सर्दी नहीं लगती तो। मुझे तो बात कीजिए समझ, समझ नहीं आई टोपी क्यों सर पे लेनी अगर सर्दी नहीं लगती तो, हमें तो समझ। मम्मा देखो यार किसी का दिमाग ज्यादा तेज चल चल के गर्म हो जाता है उसको ठंड लगाने के लिए, ये ना पापा का दिमाग बहुत चलता है तेज फातिमा की, सर्दी दिमाग को लगती है। हाँ रेस्ट रेस्ट दिया हमारे जैसों को नहीं है टोपियों की जरूरत, हमारे दिमाग ही नहीं चलते हैं फंसे हुए, ठंड को पता चल रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हाँ ठंड कैसे होता है, गर्म कपड़े निकालो, टोपी से करेंगे सबका स्वागत, टोपी से करेंगे ठंड का स्वागत। अब चलते हैं अपनी बाकी बहनों की तरफ, ये देखो जी एक यहाँ पे बैटमैन बन के बैठी हुई है, अस्सलाम वालेकुम, इसके गाने चल रहे हैं यार, तुम लोगों को कोई फिक्र है, वाइब कर रही हूं क्या? तुम लोगों को कोई फिक्र है बहन की शादी है? हाँ। और तुम लोग यहाँ वाइबिंग कर रहे हो? फिक्र मुझे, मैंने सब टेंशन, कपड़े हल सब हल, डांस प्रैक्टिस कर ली है बस, मुझे इतना बता, व्हाट दोनों ने मुझे, आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगी, मैं देखना चाहती हूँ तुम लोगों का डांस कैसा है, आ जाओ, विल नॉट शो, अभी थोड़ी दिखाएंगे, वाह सरप्राइज डांस सारा अभी दिखा, मेरे साथ कुछ नहीं करना, मेरे लिए कुछ नहीं करना, मुझे मेरे साथ कुछ नहीं, मम्मी पापा का कोई डांस नहीं है करना, एक मेरे साथ रेडी करना। हाँ तो कह रही हूँ ना कि तुम बहन के साथ ना कुछ बोला ना कुछ तोला, तुमने दिल से दिया जो दिया, रील वायरल हो गई, ऊपर सारा अरेंजमेंट करो, हम आते हैं डांस रेडी करते हैं, अपनी घाघर टाइट कर लो हमारे, मैंने तो करना ही नहीं है, मैंने तो करना ही नहीं भी करना है यार, क्यों दुल्हन भी करती, मैंने एक गाना रेडी किया है उस पे आप और मैं करेंगे बात खत्म। और व्हाट अबाउट मी, कौन से मजार से बात की है, आजकल के पॉप बेस्ट आजकल कहाँ से, चलो उठो आज, अगर जिसने जो भी करना है, मैं पहले मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी कुछ खाने को, मम्मी कुछ खाने को, सुबह होता है रात को नहीं होता, मम्मा दे दो ना कुछ खाने को, खुद ही खाते हैं, खुद ही देखते हैं कितने क्या पड़ा, मम्मा क्या बना है, क्या करते हैं आज किचन में, कुछ बना पहले ही पड़ा होगा, मम्मा खत्म हो गई है यार वो, ये सिर्फ बचा है कुछ चीजें बस, ये मम्मा ये सिर्फ, और थैंक गॉड ये थोड़ी सी बच गई, आप लोगों ने मेरा जरा ख्याल नहीं किया, मैं कुछ दिन के लिए कराची क्या गई, इन लोगों ने मेरा ख्याल करना ही छोड़ दिया, मम्मा ऐसे कह रही है जैसे मैं हाँ जैसे मैंने कभी पहले ट्रैवल ही नहीं किया था, आपको पता है गाइस मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था ना, मैं कभी दुबई होती थी, कभी कराची होती थी, कभी ग्वादर होती थी, कभी मैं डिफरेंट जगहों पे शोज करती थी, होस्ट किया करती थी उस वक्त, तब भी मैं घर से ऐसे ही दूर रहती थी, इसलिए मेरी अम्मा को फील नहीं हो रहा मैं गई हूँ नहीं गई हूँ, अम्मी बीइंग ट्रेडिशनल, ऐसी तेनू भूल गया तू जा, क्या दिल मजबूत तब किया जाता है जब दिल से कोई चीज जाती है, जब जाने ही नहीं है तो फिर मसला क्या है, टेल मी, अभी से अपने आप को आदत डालूंगी, इकरा नहीं है, इकरा नहीं है, इकला है, इकरा डेली दो चक्कर लगाई, अम्मी ने कहना नहीं भाजी तू व्याह करके भी अधी रहनी, फिर आपने ये कहना मुझे, अगर आपने ये कहना तो फिर आपको मैं लिख के कह रही हूँ, आपने यही कहना है, क्योंकि मैंने सुबह उठ के मैंने रीपो कहना, रीप नाश्ते का टाइम है, चलो मेरे घर छोड़ा, वो घर आएगा मैं कहूंगी आगे मम्मी नाश्ता, आपके बनाना पड़ेगा, जान नहीं छूटेगी, सोच ले, ठीक है देख, आपने डांस प्रिपेयर कर लिया, हाँ सिर्फ देखना है कि कौन अच्छा करता है कौन नहीं, तो आओ फिर ऊपर प्रैक्टिस, पहले मैं कुछ खा लूँ फिर करते हैं, मैं गाइस खाती हूँ हमारी जो बची हुई मैक्रोनीज है जो सिर्फ मेरे लिए रखी है, चलिए जब मैं खाने लगी हूँ खाना, ये खाने लगी हूँ आज मैक्रोनीज, ठीक है ये खा के फिर आते हैं, चलिए जी गाइस मैंने खा लिया था खाना और अब हम लोग करने लगे हैं डांस प्रैक्टिस, ये लेट्स गो, चलो 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 चलो, ये सारी जो है ना वो डांस प्रैक्टिस के लिए जा रही हैं ऊपर, क्योंकि इस पे भी मुझे ही हेड मास्टर की तरह इन पे नजर रखने की जरूरत है, अगर नहीं रखूंगी तो ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ओ माई गॉड, चले जी अब यहाँ हम ऑन है, डांस फ्लोर निकालती पहले लाइट्स जला लूं मैं, मुझे डांस फ्लोर के सामने एक शीशा चाहिए, अच्छा फिर मैं कोरियोग्राफ करूंगी, आज मैं तुम लोग कोरियोग्राफर और तुम लोग मेरे साथ, इधर आओ ये देखो ये मिरर है, ठीक है ये मिरर है, इसके सामने तुम लोग इजीली डांस कर सकते हो और सीख सकते हो, ये तुम लोगों को मिरर प्रोवाइड किया है, बाकी किसने मुझे पहले बताया, मैं सिखा रही हूं, ठीक है मैं इतनी गंदी डांसर है, गाना लगाओ मानो, चल
सॉन्ग लगाओ, जो जो जिसने डांस करना है वो अपने गाने मुझे लिखवाएगा, मुझे जो गाना अप्रूव करूंगी मेरी शादी पे सिर्फ उस गाने पे डांस होगा, वरना काट दो। पहले वाले डांस जो है वो कर भी चुके, अप्रूव भी कर चुके, खुद ही हमने खुद तैयार भी कर लिया। वो दुल्हन से अप्रूवल जरूरी होता है। जो डांस वाले मैं से तैयार कर लिया, आप क्या वो रिजेक्ट करोगी? नहीं तो फिर अच्छा होगा। चलो मुझे डांस करके दिखाओ। मानो व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या किया तुमने? मानव इसको वापस मत डालना अंदर। नहीं डाल रही। सारे इसने किस तरह से पीछे करो, ये मुझे तो ये शुक्र है तुमने तोड़ा नहीं है, ये तो मैं खाऊंगी यार। दो फातिमा को चाहिए। हम यहाँ पे प्लेट देते हैं उसको, क्योंकि वो नीचे गिरी है। ग्लास में उसको बोलती हूँ डाले, इसमें डालो। वो दो उसको, वो मैं खाऊंगी। फातिमा को चाहिए। ओके सबर, लड़ना ही शुरू हो जाती हूँ यार तुम लोग। मैं नींबू खा रही हूँ, मम्मा सीख रही हैं। कश्मीर तू ना, ये कोनी को ऐसे आ गए। कश्मीर तू मेरी मम्मा एक्सपर्ट डांसर बन गई, मैं अच्छा सिखाती यार, अब मुझे भी थोड़ा बहुत सिखा दो यार। कश्मीर से तू मुझे गाना आता है बट डांस नहीं आता है। देखो मैं डांस रेडी करवाती हूँ, आओ करवाओ मुझे सही वाला। चलो राबिया ने एक नया गाना निकाल दिया गाइस मेरे लिए। यार अभी जो मैं डांस कर रही थी ना, इट वाज जस्ट फॉर फन, मैं बस वैसे इंजॉय कर रही हूँ। ठीक है आई जी है पे पार करा दे, अकेला देखो दिलबरो दिलबरो। वही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। मोहतरमाए डांसर्स अब आई हैं। ये देखो जरा इस लड़की का काम, तुम्हें मैंने डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया, तुम क्या कर रही हो? यार मैंने भी डांस तैयार ही नहीं किया, प्रैक्टिस का क्रियोग्राफर ये देख के चार ठुमके लगा दो लोग, फिर कमेंट्स में कहते हैं डांस ही कैसा सीखती है, सीखे सही लेती है शादी में जाकर कुछ क्या सीखे। मैं प्रॉपर वाला आप ही हम सीखेंगे, मतलब क्रियोग्राफर को कॉल करते हैं ऐसे नॉर्मल। हम आपस में तो काचू पूरा तैयार होगा डांसर, वहाँ पे स्टेप भूल रहे थे, डांस के कपड़े गिर रहे थे, मैं चाहती हूँ डिसेंट सा डांस करें। राबिया यूं गंदी गंदी गिरी थी, वो क्या था? हम फिर राबिया ने भी इतनी वो नींद पूरी करने नीचे चली गई। हाँ अपना जो आपको पता डांस के गाने सिलेक्ट हो गए, गाने मैंने भी सिलेक्ट किए हैं दो तीन, रुको जरा सबर करो। हाँ मैंने दो तीन रखे हैं, वैसे आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर दो कि कौन कौन होगा। सब हमने एक तुम्हारे लिए सरप्राइज भी रखी हुई है, दो रखेंगे ठीक है, और बाकी हमारे लिस्ट और जो डांस फ्लोर पे चढ़ेगा वो मेरी उसके बगैर नहीं है। मैं पूरा देखूंगी कि कौन अच्छा डांस कर रहा है वही स्टेज पे जाएगा, नहीं तो मैंने जो मतलब हम क्योंकि लोग फिर तुम्हें पता है क्या वो अजीब सी एक इमेज पोर्ट्रे हो जाती है। हम जो भी करें अच्छा सा डांस बस प्रिपेयर हो, और मैं अपनी एंड से मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से जो है मैं स्टेप सीख लूँ और बहुत मजे मजे के हों, और वो स्टेप आप लाइव देखें। अभी तो मैं गाने चार पांच निकाले हैं। अच्छा एक गाना कौन सा? गल्ला गुड़िया। चलो उस पर थोड़ा सा करते हैं। लुंगी डांस नहीं, उस पर नहीं, कोई और लुंगी डांस एंड ऑल दैट, ये गाने वाने अभी मैंने रखे हैं। अभी हम अगले अभी एक थोड़ी व्लॉग है डांस प्रैक्टिस का, लॉट ऑफ बनेगी क्योंकि डांस प्रैक्टिस तो चलती रहेगी गाइस, तो स्टे ट्यून्ड। तुम अब जा रही हो, ये देखें गाइस ये मेरी वो वाहिद बहन है, इतनी बदतमीज है, ये दोनों लड़कियों ने कोई डांस नहीं किया किसी किस्म का, ये ठुमके नहीं लगाए इन लोगों के, बड़ी चलाक है ये बदतमीज फातिमा। चलो लाइट बंद करो कैमरे हम। वैसे मैं भी डांस कर करके गाइस गई थी, बहुत ज्यादा थक क्योंकि थकावट हो गई अच्छी खासी। गुड नाइट।
गुड नाइट। ये भी सोने लगी है, हम भी सोने, बाकी सब सोने के लिए जा चुके हैं। और मेरी अम्मा ने मेरे लिए पर्पल कलर का भी कंबल निकाल दिया, ये वाला कंबल भी निकाल दिया क्योंकि ठंड बहुत आ गई और सर्दियों में तो वैसे ही कुछ भी करने का दिल नहीं जाता ना। हाँ, डांस आपको ऐसे वो नहीं होता कि डांस में आप नहीं थकते, क्योंकि डांस से आपका टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल हो जाता है क्योंकि अगर ज्यादा सर्दी लग रही हो। खैर इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी दुआ में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।